नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बुधौलिया। आप हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं। अशोकनगर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव बारात का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। बीते 2 वर्ष से कोरोना के कारण सीमित हुए आयोजनों के बाद इस बार यह भव्य एवं व्यापक रूप में आयोजित किया गया। बीते कुछ वर्षों से शुरू की गई शिव बारात अब आकर्षक रूप धारण करने लगी है। नेहरू पार्क के शिव गौरी मंदिर से बारात की शुरुआत हुई, जो सुभाषगंज स्टेशन रोड, गांधी पार्क, विदिशा रोड और प्रशासन रोड होते हुए पुनः शिव गौरी मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। बारात का जगह जगह स्वागत किया गया। भोलेनाथ की प्रतिमा पालिका में विराजमान थी। दूल्हे के रूप में पूरे शहर में भ्रमण पर निकले भोलेनाथ की बारात का शहर भर में स्वागत किया गया। कई अलग अलग संगठनों के द्वारा बारात के स्वागत में आयोजन किए गए। बारात में नंदी पर विराजे भगवान शिव दूल्हे के रूप में थे और साथ में पूरा शहर बाराती के रूप में नाचते गाते निकल रहा था। ढोल एवं बैंड पर गीत गाए जा रहे थे। रसीला चौराहे पर पछाड़ क्लब ने विधायक जितपाल सिंह जज्जी के साथ बारात का स्वागत किया। इस दौरान बारातियों को खीर का प्रसाद भी दिया गया, साथ ही बारात पर लगातार फूलों की बरसात की जाती रही। आयोजन के संयोजक महेंद्र भरद्वाज ने बताया कि इस बारात का सबसे उल्लेखनीय पहलू है कि इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। खासकर युवाओं में लगातार इसको लेकर क्रेज बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि किन्नरों के एक बड़े समुदाय ने इसमें अपनी भागीदारी की है। किन्नर गुरु चांदनी मौसी के नेतृत्व में किन्नर समुदाय ने भगवान शिव की बारात में जमकर नाच गाना किया और लोगों को शिव विवाह की बधाइयां दी। रात्रि पर प्रतिवर्ष जो शिव बारात निकाली जाती है, इस वर्ष भी शिव बारात निकली, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से बारात तो निकली लेकिन उसमें उतना उत्साह नहीं रहा जितना इस वर्ष रहा है। और इस वर्ष जो तुलसी सरोवर पर बालाजी सरकार की प्रतिमा स्थापित होना है, पछार वाले बालाजी, उनकी प्रतिकृति भी इस बार आकर्षण का केंद्र रही जो शिव बारात में। और बाहर से कलाकार आते हैं, जैसे दिल दिल घोड़ी वाला है, कुछ पेंटर लोग भी बाहर से आए थे। तो प्रतिवर्ष स्थानीय और बाहर के कलाकारों का सहयोग रहता है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रद्धालुओं को, दानदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शिव बारात को संपन्न कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। नगर पालिका, पुलिस प्रशासन और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय और योगदान दिया। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, जय जिंद बाबा, जय माता।